शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। जय शनिदेव। शनिदेव न्यायाधीश हमारे शुभ और अशुभ कर्मों के परिणाम को हमें प्राप्त करवाने वाले शनिदेव जो कि न्यायाधीश है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रिय साथियों, हाल ही में 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। दो राशि को शनि के साढ़े साथी का प्रभाव कम रहेगा। धनु राशि को समाप्त होगी, तुला और मिथुन राशि वाले लोगों को शनि की ढैया समाप्त होगी, लेकिन कर्क और वृश्चिक राशि वाले लोगों को लग जाएगी। यहां पर 30 मई को शनि जयंती का पर्व है, शनि जन्मोत्सव है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आपकी कुंडली में शनि रुष्ट है या फिर आपको जीवन में अपार समृद्धि दे रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में चाहे शनि की ढैया चल रही है या साढ़े साथी चल रही है, हमें शनि की विशेष आराधना जरूर करनी चाहिए और हो सके तो शनि की विशेष साधना करनी चाहिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने यह निर्णय लिया है कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए शनि के विशेष मंत्रों का जाप किया जाएगा। 30 मई को हम आपके नाम से विशेष पूजन करेंगे और उसके बाद पूजन की विशेष जानकारी आपको भेजी जाएगी व्हाट्सएप के द्वारा, और शनि की छल्ला, शनि की माला और शनि विशेष सामग्री आपको भेजी जाएगी ताकि आपके जीवन में शनि का लाभ मिल सके, शनि के कष्ट दूर हो सके। इसके लिए आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में संपर्क करिए ताकि आप समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। एक बार जरूर बोलिए जय जय शनिदेव। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। अभी चार दिन रोना बेहतर है जिंदगी भर रोने से। तो कई बार हम अपनी जिंदगी में हमें दिख रहा है हम गलती कर रहे हैं, उस टाइम कड़वे घूंट पी लीजिए, स्ट्रांग डिसीजन ले लीजिए, वरना जिंदगी भर आपकी अच्छी जिंदगी कड़वी बन जाएगी। प्रिय साथियों, अगर इसे आपने समझ लिया गंभीरता से तो यही आज आप लोगों के लिए सफलता का गुरु मंत्र बन जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश रमाली और आप देख रहे हैं 27 मई शुक्रवार आज का राशिफल। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मैं आपको मेरा मई और जून का एक स्केड्यूल दे रहा हूं, अगर आप उससे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 27 मई को मुंबई में हूं, 28 तारीख को मई में सूरत और बड़ौदा की यात्रा पर हूं, 29 मई को मैं अहमदाबाद में रहूंगा, 3 जून को पटना, 4 जून को कोलकाता और 5 जून को दिल्ली रहूंगा, उसके बाद 9 जून मुंबई, 10 जून नागपुर, 11 जून पुणे और 12 जून को बेंगलुरु रहूंगा। उसके बाद 15 तारीख को 15 जून से लेकर 7 जुलाई तक मैं यूरोप और यूके की यात्रा पर रहूंगा। सबसे पहले मैं 15 तारीख को फ्रांस पहुंचूंगा, वहां से फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और साथ में नीदरलैंड की यात्रा पर रहूंगा, और 1 से लेकर 7 जुलाई तक मैं लंदन, लेस्टर, बर्मिंगम और मैनचेस्टर की यात्रा पर रहूंगा। अगर आप वहां रहते हैं तो मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। दूसरी बात, हम एक ग्रहों का खेल मासिक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं जिसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए ताकि जोधपुर से ये मैगजीन आपको बाई कोरियर आपके घर के एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी ताकि आप ज्योतिष और आध्यात्म का अपने घर में एक अलग जगह सकें। प्रिय साथियों, 30 मई को शनि जयंती के पावन अवसर पर हम आपकी शनि की ढैया साढ़े साथी और शनि की दशा में अगर आपको कोई दोष परेशान कर रहे हैं तो विशेष पूजन का आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र भेज सकते हैं एक मनोकामना के साथ, तो हम विशेष पूजन करके वो वीडियो क्लिप आपको भेज देंगे। प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं और आज सबसे पहले राशिफल में बात करेंगे गुरु मंत्र की। अगर आपके भी बिगड़े काम, बनते काम बिगड़ रहे हैं तो क्या विशेष उपाय करें। 6 राशि के बाद वास्तु सेगमेंट में बात करेंगे, साउथ ईस्ट कॉर्नर को कैसे चमकाएं, और कार्यक्रम का अंत में होगा आज का एस्ट्रो ज्ञान। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की गुरु मंत्र की। बिगड़े काम बन जाए इसके लिए विशेष उपाय, आज शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा जी के मंदिर में आपको साबुत मूंग चढ़ाने चाहिए और माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, और ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। आज संतोषी माता का व्रत कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना करिए आपके घर में शांति के लिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे इसके लिए आज आपको हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल, उसमें इत्र डालकर लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते या उसे सुनते हुए लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा पर आप अभिषेक करिए, धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं, चंद सेकंड आप लोगों के लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। आज सुबह 11:47 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी,
और आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी आनंदित आनंददादी और अनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन आप एक दो नए रोग योग बन रहे हैं, सौभाग्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। अगर आपकी राशि वृषभ सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग, और मिथुन कन्या, धनु और मीन अगर आपकी राशि हो तो अब हंस योग का लाभ मिलेगा। आज राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष रहेगा जो मानसिक तनाव दे सकता है। आज चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अगर आप शुभ समय की तलाश में तो आपको दो बार मिलेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में साइन कर सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं, कोई फैसला ले सकते हैं। सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया है और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया है। कोशिश करिएगा कि सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। प्रिय साथियों, आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज मन थोड़ा विचलित रहेगा, अज्ञात भय, डर, चिंता, खुद पर विश्वास की कमी आपको लो कॉन्फिडेंस करेगी। तो आप उन लोगों से मिलिए जो आपके दिल के करीब है, और जो लोग आपको दिल से चाहते हैं उनको दिमाग से जवाब मत दीजिएगा। स्टूडेंट हर दिन स्टडी करने के लिए टाइम टेबल चार्ट कई बार बनाते हैं और उस पर चल ही नहीं पाते हैं। संकल्प की शक्ति को मजबूत करिए कि मुझे ये करके ही दम लेना है, लाभ मिलेगा। दुनिया का सबसे बेस्ट आपका टाइम टेबल है जो आपको कभी फेल नहीं होने देता है। बिजनेस से बढ़े हुए खर्च के कारण आपको चिंता में पड़ जाएंगे, लेकिन दोपहर के बाद कहीं से पैसे की व्यवस्था आत्मविश्वास बढ़ाएगी और तंदुरुस्ती भरा महसूस करवाएगी। अपनी नियमित गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा मिल जाएगी। दोपहर बाद परिस्थितियां थोड़ी ठीक हो जाएगी, जिसमें जॉब और बिजनेस में कुछ नई चीज हो सकती है, कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नए ऑर्डर मिल सकते हैं, नए कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं। आप बहुत अधिक काम कर रहे हैं कारण अगर तन्हा और अकेला महसूस करें तो वीकेंड को एंजॉय करने के लिए निकल पड़िए। संतान के साथ उन मुद्दों पर चर्चा मत करिए जिस पर पहले भी झगड़े फसाद हो सकते हैं, हो चुके हैं। प्रिय साथियों, अपनी योजनाओं को थोपने की कोशिश परिवार पर नहीं करें। छोटे या बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर करिए, सेहत पहले से बेटर है। वृषभ राशि की बात करते हैं। आज सोशल मीडिया, राह चलते या कहीं टहलते हुए कोई नए कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन जो हम आंख मूंद करके भरोसा करते हैं वो आपको नहीं करना है। वर्क प्लेस पर आज आपको कोई खबर हैरान कर देगी, दुखी कर सकती है। आज चढ़ाव तो नहीं लेकिन उतार हो सकता है, अलर्ट रहिए। आपके आराम और भौतिक सुख और साथ में लेजीनेस, आलस्य की वजह से हाथ आए हुए ऑर्डर टेंडर निकल सकते हैं। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, उन्नति जरूर मिलेगी और विस्तार के बारे में जरूर सोचिए। ग्रैंड दोष के बनने से मोटी रकम गंवा सकते हैं, इसलिए आपको आज पैसे से पैसा कमाने में अच्छी डील मिले, शांति सोचिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। आपके व्यावसायिक भागीदारों के साथ अच्छे संबंध रहें, आफ्टर सेल सर्विस बेटर हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ व्यूज ना रहे, इसके लिए थोड़ा चिंतन करिए, सोचिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल हो सकता है आप ना कर पाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बेहतर होगा कि आप लगातार कोशिश करें, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या ना मिले लेकिन तजुर्बा जरूर मिलेगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं लेकिन यात्रा में तकलीफ आ सकती है, ख्याल जरूर रखिएगा। मिथुन राशि, बिस्तर से उठो तब ये डिजाइन कर लो आपका दिन कैसा होना चाहिए, बस प्रॉफिट के बारे में सोचिए, किसी के नुकसान के बारे में नहीं, आपका दिन वैसा ही गुजरेगा। व्यवसाय के लिए ये समय बेहद लाभप्रद है। स्थिति अभी हो सकता है पूर्ण रूप से आपके अनुकूल ना हो, लेकिन आप अपने स्पेशल स्ट्रेटेजी से उसे अनुकूल कर सकते हैं। व्यवसाय में सुधार से थोड़ी राहत मिलेगी। नए क्षेत्रों में अगर विस्तार करना चाहते हैं तो आज सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत के चौघड़े में, या दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे के मध्य कर लीजिएगा, अनुकूलता मिलेगी। अपने व्यवसाय में ऑनलाइन कुछ नई चीजों की योजना बना सकते हैं। टेक्निकली आप अपने आप को और स्ट्रांग बनाइए ताकि किसी पर मोहताज न रहना पड़े। आपके आय में वृद्धि हो, प्रसिद्धि मिले, इसके लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं है, कुछ अबल बनाइए, कुछ नई चीज लॉन्च करिए। मेरे प्रिय साथियों, घर से अगर आप काम कर रहे हैं तो अब ऑफिस जाने की तैयारी कर लें, सुखद अनुभव मिलेंगे। स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। उन बातों पर चर्चा और बहस न करें जिस पर पहले भी झगड़े हो चुके हैं। सौभाग्य योग के बनने से अच्छी शॉपिंग होना, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। सेहत पहले से बेटर है। बात करते हैं कर्क राशि की। आज आपकी जॉब क्या है, आप क्या काम करते हैं, किस काम से आपकी दिनचर्या चलती है, उस पर कैसे तब्दीली लाई जाए ताकि आप उसको और परफेक्शन के तरीके से कर सकें। आपके अंदर परफेक्शन है लेकिन लोगों पर मत थोपिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए। जीवन में जहां आपको एक ओर से राहत मिलेगी वहीं दूसरी ओर से कोई समस्या भी आ सकती है। फाइनेंशियल ट्रबल आज आप महसूस करेंगे। आप अपने जीवन साथियों और परिवार के अन्य सदस्यों पर विश्वास करिए, लाभ मिलेगा। आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, इंजीनियरिंग के फील्ड में जो लोग जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उनको अपना दमखम दिखाने का पूरा मौका मिलेगा।
दोपहर बाद धन लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे और पैसे से पैसा कमाने के शेयर बाजार और जमीन की डील हो सकती है। कोशिश करिएगा कि आज आप अच्छी नींद लें और वीकेंड को एंजॉय करने के लिए आगे बढ़े। वाशी योग और सौभाग्य योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर कुछ उपलब्धि हासिल होगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, ट्रैवल करना हो सकता है, लाभ मिलेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स स्वस्थ और व्यस्त रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। सिंह राशि, आज आपका ज्ञान बढ़ने वाला है, नॉलेज एंथुसियाज्म बढ़ने वाला है और उसको अप्लाई करके आप लाभ बढ़ाने वाले हैं। बिजनेस में दिन मध्यम फलदायी है, कुछ तकलीफें जरूर आ सकती है लेकिन पेशेंस रखेंगे। सूझबूझ और धैर्य से ही बिजनेस में प्रगति संभव है। नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है, ख्याल रखिएगा। अपने बॉस के साथ उन मुद्दों पर चर्चा करने से बची जिस पर पहले भी झगड़े और फसाद हो चुके हैं। आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पहले से बेटर हो सकती है। भाग्य के एक सकारात्मक स्ट्रोक से आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, इसलिए स्मार्ट वर्क जरूर करेगा। कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना, फैशन पैशन हॉबीज को आप जरूर आज अपना सकते हैं। छोटे हो या बड़े, भाई हो या बहन, सबके साथ बैठकर गीत गुनगुनाइए और ऐसा कुछ करिए जो आपके दिल को पसंद हो। स्वास्थ्य की चिंता न करें, बस प्रेम संबंधों को और बेहतर करें। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज एक पॉजिटिव दिन है। बात करते हैं प्रिय साथियों कन्या राशि की। जीवन में कई ऐसे मामले होते हैं जो अनसुलझे होते हैं, उन्हें सुलझाने का प्रयास तब करना चाहिए जब आज आपके पास कोई कॉन्फिडेंस हो। आज उससे मिलिए जो दिल के करीब हो। परिवार और समाज में आप कुछ अच्छा करेंगे, किसी गेट टुगेदर का हिस्सा बनेंगे, महफिल की शान बन सकते हैं। ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज अच्छा रहेगा और पॉजिटिव रहिए। ग्रैंड दोष के बनने से परिवार में थोड़ी अनबन हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में कोई तल्खी आ सकती है। पैसे को लेकर कोई झगड़ा फसाद हो सकता है, ध्यान रखिए। वर्क प्लेस पर सुस्ती के कारण और आलसी के कारण हाथ आई हुई चीजें निकल जाएगी, लेकिन धार्मिक गतिविधियों पर इंटरेस्ट लेना, वीकेंड को एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ कुछ स्पेशल करना संभव है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज मन लगाना आसान नहीं होगा। स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे अब सफलता का संकेत दे रहे। अगर है तुमको स्वस्थ रहना, आज ही से व्यायाम है करना। बिजनेस से लाभ मिलेगा, लेकिन आज आपको इन्वेस्ट करते समय और उधार देते समय सावधान रहना चाहिए, जो आपके लिए हो सकता है आज नुकसानदायक हो सके। व्यवसाय करने में कुछ परेशानी आज हो सकती है, टर्नओवर में भी परेशानी आ सकती है। मंदी की समस्या से बाहर निकलने के लिए आज हो सकता है किसी से कुछ गुर सीखने को मिल जाए। कैश लेन देन में सावधानी बरतें और हो सके तो मैनेजमेंट और फाइनेंस की चाबी अपने पास रखें। आज शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करना और अपने परिवार सहित कई गेट टुगेदर में जाना बहुत शुभ रहेगा। बढ़ते आगे और अब 6 राशि के बाद बात करते हैं वास्तु सेगमेंट की। साउथ ईस्ट कॉर्नर भी घर का कुछ कहता है, जिसे हम आग्नेय कोण भी कहते हैं। शुक्र इस दिशा में शासन करते हैं। यदि इस दिशा से संबंधित कोई दोष है तो घर की स्त्री का सबसे अधिक परेशान होना तय है। जैसे इस दिशा में रसोई घर होना चाहिए, गैस की टंकी और चूल्हा होना चाहिए, मशीनरी, भारी सामान या यूं कहें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक चीजें होनी चाहिए। परंतु अगर वो नहीं है और कहीं दूसरी जगह पर है तो घर की महिला, क्योंकि किचन में ज्यादातर वही रहती है, उनके शरीर में दर्द और मानसिक पीड़ा हमेशा रहेगी। साथ ही घर के साउथ वेस्ट में अगर अंडरग्राउंड टैंक है, स्टोर रूम है, स्टडी रूम है, नल, किचन का सिंक, टॉयलेट और एंट्रेंस गेट हो तो आपके घर में कभी पैसे की जो है ना वो बरकत नहीं होगी। जब अग्निकोण में बाथरूम या टॉयलेट हो तो आपका शुक्र हमेशा खराब होगा। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर से रिश्तों में मजबूती नहीं आएगी, पेट हमेशा खराब रहेगा। आपके घर में इस दिशा में अगर किचन है तो 70% वास्तु दोष खत्म होता है और नहीं है तो 70% ऐड हो जाता है। इसका रीजन, किचन अगर अग्निकोण में है तो यहां बनने वाला भोजन प्रसाद बन जाएगा, एनर्जी देगा, और नहीं है तो भोजन अपच करवाएगा। इसलिए चेक करिए, अगर ऐसी तकलीफ है तो वास्तु पिरामिड, लक्ष्मी पिरामिड और वास्तु गणपति, इन 3 वास्तु के किट को जोधपुर ऑफिस में आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसे रखिए, घर में शांति महसूस करेंगे। तुला राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, किसके साथ आप जुड़े हैं उसके साथ बॉन्डिंग और मजबूत करिए। सेहत को लेकर सतर्कता रखना जरूरी है, आपके परिवार के लिए भी बेहतर रहेगा। वर्क प्लेस पर ऑनलाइन कार्यभार की अधिकता के कारण आपकी वर्किंग स्किल बढ़ जाएगी। अत्यधिक खर्चे कर्जा दे सकते हैं, पीड़ा में डाल सकते हैं। आज आपको कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ध्यान रखिए। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, डेली नीड्स, फैशन पैशन हॉबीज, स्पा, सलोन, जिम से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यवसाय के लिए सकारात्मक माहौल अब आपको बनाना पड़ेगा। फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के लीजिए। नई बिक्री के योग बन रहे हैं और नई योजनाओं पर काम होने से बिजनेस विस्तार की स्थिति बनेगी। आप अपने व्यावसायिक सहयोगियों के साथ और अपने वैवाहिक जीवन में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए छोटा या बड़ा त्याग करेंगे। नियमित बातचीत के दौरान शांति बनाकर रखें। मौद्रिक लाभ यानी फाइनेंशियल गेन के लिए आज आपको
एकांत बैठकर शेयर बाजार पर ध्यान देना चाहिए, अच्छी डील आपको मिल सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। ज्ञात और अज्ञात दो तरह के शत्रु होते हैं, और आलस्य हमारे भीतर है, वो भी हमारा दुश्मन है। उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, नए तरीके से सोचिए। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से नौकरी से जुड़ी हुई कोई खबर आपको खुश कर देगी। जॉब में कहीं अप्लाई करना है, वाइवा इंटरव्यू के लिए कहीं जाना है, कहीं फॉर्म फिल करना है या पढ़ाई के लिए कहीं जाना है, ये सब कुछ आज किया जा सकता है। और वर्क प्लेस पर कार्य क्षेत्र में आज बॉस से वन टू वन बात की जा सकती है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे फल मिलना चाहिए, काम की सराहना भी होगी। ईगो छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। घमंड सबका टूटता है, रावण कंच हिरण्य कश्यप और होलिका का भी टूटा था। हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, न धन का, न शक्ति का, न ज्ञान का, न व्यवसाय का। प्रिय साथियों, व्यवसाय में कुछ हद तक आज तेजी दोपहर के बाद आएगी, और कोशिश करें कि परिवार के साथ बैठकर उन मुद्दों पर चर्चा करें जो आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके व्यवसाय का विस्तार हो, इसके लिए परिवार को साथ लीजिए। पहले कोई गलतियां की है, उसका समाधान आज ढूंढ लीजिए। अगले की गलती है माफ कर दीजिए, खुद की गलती है माफी मांग लीजिए, आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। और आज वीकेंड को एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेटर है, खर्चा और शॉपिंग जरूर से ज्यादा मत करिएगा, वरना पैसे की तंगी आप महसूस करेंगे। बढ़ते आगे धनुराशि की तरफ। माँ बाबू जी को संतान सुख और संतान से सुख, और संतान को अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे ढंग से बातचीत करनी चाहिए। आज समय से पहले ऑफिस जाइए, हर काम को खुद इनिशिएटिव लेकर करिए, स्मार्ट वर्क करिए, टीम में कहीं उत्साह पैदा करिए, व्यवसाय में तेजी आएगी। सकारात्मक वातावरण आप खुद बनाएंगे, आर्थिक सुधार में भी कुछ सुधार के संकेत मिलेंगे, सरकारी और देनदारियों से संबंधित मामलों में राहत मिलेगी, और कहीं ना कहीं सरकारी फाइल आगे बढ़ेगी। सैलरीड पर्सन के लिए एक उत्कृष्ट दिन है। ऑनलाइन आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, टेक्निकल जो आपको कोई तकलीफ है तो उसे सीखिए, खुद आप इन्वॉल्व रहिए, किसी पर मोहताज न रहना पड़ेगा। व्यवसायिक भागीदारों के साथ लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यों में भी अधिक रुचि लेंगे, यह आपके लिए अच्छा दिन है। यदि आप नकारात्मकता, क्रोध, नेगेटिव एनवायरनमेंट और लोगों के बीच रहते हैं तो आप बैठे बैठे अपने आस अपनी ही जड़ें काटने में लगे हुए हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर स्टूडेंट के लिए एक सकारात्मक दिन है आज। बात करते हैं मकर राशि की। परिवार की सुख सुविधाओं में कहीं कमी ना आ जाए, आप उन पर ध्यान दीजिए। वीकेंड में अपने परिवार को कहीं स्पिरिचुअल यात्रा पर ले जाइए, किसी हिल स्टेशन, पानी की जगह पर ले जाइए, गर्मी से राहत दिलाइए, अच्छा रहेगा। और आपका पारिवारिक अनुभव भी आज अच्छा हो सकता है अगर ऐसा करते हैं तो। ग्रहण दोष के बनने से खर्चा ज्यादा होना और हो सकता है अशांति मिल जाए, नेगेटिविटी कोई डालने की कोशिश करे, किसी से बातचीत करते समय झड़प हो जाए, कोई मांगने वाला फोन करे और आप चिल्ला बैठे, गाली गलौज हो जाए, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो जाए, इसकी सलाह दी जाती है कि बोलने के तौर और तरीके पर परिवर्तन लाए। मीठी बोली बोलकर सबका मन लो जीत, बोली से हो शत्रुता, बोली से हो प्रीत। निजी कार्यों में सोच समझ कर निर्णय लें, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान आप मत करिएगा, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं। बिजनेस के लिए जो परेशानी भरा दिन था वो आज आपकी सूझबूझ से, मेहनत और स्मार्ट वर्क से ठीक हो सकता है। मानसिक तनाव के बीच में आपको एक राहत की खबर अपने परिवार से मिलेगी, और लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जैसा परिणाम आज का चाहते हैं वैसा ही काम करेगा, आपका इंतजार कर रही है सफलता। बात करते हैं अगली राशि कुंभ की। छोटी हो या बड़ी, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करिए, उनके साथ रिश्तों में और मेहनत करने की जरूरत है, सूझबूझ दिखाने की जरूरत है, अच्छा दिन आ जाएगा। सरकारी मामलों में आपको राहत मिलेगी, टैक्स रिटर्न आदि से संबंधित मामलों को समय रहते निपटाने का प्रयास करिए। नए बिजनेस के लिए कुछ हद तक तेजी आएगी और सकारात्मक वातावरण भी बनेगा, सरकारी क्षेत्र के रास्ते भी खुलेंगे, फाइनेंशियल लाभ के भी नए संकेत मिल रहे हैं और अनुकूल परिस्थिति बनने वाली है। वर्क प्लेस पर अधिक कार्यभार का हो सकता सामना करना पड़े, आपके काम से जुड़ी हुई कोई खबर आपको खुश कर देगी। आप लोगों को सलाह तब दें जब वो मांगे, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मन लगाना आज आसान नहीं होगा। स्वास्थ्य पहले से बेटर है लेकिन ट्रेवल में तकलीफ है, अलर्ट रहिए। मीन राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छा कर्म करके आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। व्यवसाय के लिए दिन शुभ फलदायी है, आपके व्यवसाय में भी तेजी आएगी। प्रिय साथियों, हमेशा अलर्ट रहें अपने काम की तरफ, व्यवसाय विस्तार के लिए आज सोच सकते हैं, वीकेंड एंजॉय के लिए जा सकते हैं, शेयर बाजार में अच्छी डील मिल सकती है, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बिजनेस से संबंधित समस्याओं में थोड़ी कमी आप ला पाएंगे। अनफा और सर्वार्थ सिद्धि योग से समाज, परिवार में पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। आपकी किस्मत आज आपका साथ देगी, बस आपको इतना करना है जब तक आपके काम पूरे न हो जाए साइलेंट मोड में रहें। काम के मोर्चे पर अनुकूल परिस्थितियां इसी से बनेगी। आपके सबॉर्डिनेट्स
आपको चाहते हैं, लेकिन आप उन पर काम थोपिए मत और ना ही लीडरशिप को थोपिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, प्यार, इश्क और मोहब्बत से बहुत कुछ गंवाने वाले हैं और उस पर पाने वाले हैं, तो आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। स्वास्थ्य पहले से बेटर है, ड्रिंक और ड्राइव आज आपको तकलीफ दे सकती है, अलर्ट रहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं आज के एस्ट्रो ज्ञान की। अगर आपकी राशि तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन है तो आपके लिए शुभ दिन है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह है तो आपके लिए सामान्य दिन है, परंतु वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले लोगों को संभल के रहना चाहिए। फिर भी आज आप लोग कोशिश करें कि प्राण प्रतिष्ठित मातंगी यंत्र का पूजन करें, भोग के रूप में खीर चढ़ाएं। आज शुक्र से जुड़ी हुई चांदी, दूध, दही, इत्र, चावल, मिश्री, सफेद चंदन या सफेद चीजों का दान करिए और साथ में कोशिश करें कि अपने वजन के बराबर कुछ चीजें डोनेट करिए, बहुत बड़ा भार उतर जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप उससे पर्सनली मिलना चाहते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क आप ले सकते हैं या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।